आओ बेटा करते हैं अपना बहुत ही प्यारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले पता है डिफरेंशियल क्या होता है? पता है सबको डिफरेंशियल माने? आवाज लाओ ना, डेरिवेटिव। पर इक्वेशन पता है सबको क्या होती है? राइट, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, लिखना स्टार्ट करो। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव एज वेरिएबल, equations involving derivatives as variable, लिखो। यानी वो equation जहां variable की जगह क्या use करते हैं हम, derivative। एक छोटा सा example दिखाता हूं, ready? Okay, example है ये, dy by dx का whole square प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी याद दिला रही है, देख के बताओ। एग्जैक्टली, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन क्या हो गया, यानी ये वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसी होती है ना, तो इस बार वाई की जगह क्या है आपका, वेरिएबल्स की जगह डेरिवेटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे चलते हम। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सबको ऑर्डर याद है ना? ऑर्डर क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, पावर, नो, ऑर्डर, ऑर्डर, डिग्री। वेरी गुड, बच्चे ने कहा डिग्री, और भी माशाल्लाह। ऑर्डर, ऑर्डर, अरे डी वाई बाई डी एक्स कितना ऑर्डर है? वन सेकेंड, हाँ हाँ, वो पूछ रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स टू, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, क्या होगा मेरे बच्चा, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, क्या होगा बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है नोटेशन। नोटेशन जानते हो किसे कहते हैं? लिखने का तरीका, नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डेरिवेटिव लिख लेते हम सीधा। बहुत छोटा तो नहीं है ऑनलाइन, अगर कोई फोन से ज्वाइन है तो। हाँ, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक सवाल है मेरा, डी वाई डी एक्स को हम कैसे लिखते हैं, याद है किसी को? डी वाई डी एक्स, वाई डैश, वाई वन, और किसी और ने भी बोला, अभी एफ डैश एक्स, शाबाश, याद है सारे क्या है, एफ डैश एक्स, बेटा एफ एक्स इक्वेशन होती है डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, डी वाई डी टू वाई बाय डी एक्स, राइट, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर वाई डबल डैश, फिर वाई टू एफ डबल डैश, राइट। इसी तरह मान लो कि चलते जा रहे हैं पावर एन, मतलब एन डेरिवेटिव तक है, तो क्या होगा, डी एन वाई बाय डी एक्स पावर एन, y डबल डैश की पावर n, ऐसे चलता जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोटेशन हो गई, क्या हो गया मेरे बच्चा, नोटेशन। बोलो पॉइंट क्लियर, इन्हें लिखने का तरीका। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें बेटा, या अगर डिग्री, एक अगर आपसे पूछते बेटा डिग्री क्या होती है, वॉट, हाईएस्ट पावर वॉट, शाबाश शाबाश, ऑनलाइन में सही आंसर आया। एनीवन एल्स, कोई और बोलना चाहेगा, वरना फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। ऑनलाइन में तो सही आंसर आ चुका है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलीनोमियल फॉर्म। इसका ना एक वर्ड से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये जरा एक वर्ड है, पहले सोचा था बाद में लिखाऊंगा। ये क्या चीज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल पिक कर रहा हूँ, एग्जांपल वन का थर्ड पार्ट। नोट्स के लिए आप पेजेस छोड़ेंगे टोटल, नोट्स के लिए 1 2 3 4 पेजेस, आई गेस 4 भी ज्यादा हो जाएंगे इसमें तो।
ठीक है, चार ज्यादा आ जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली क्या है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं है आपके, सारे जो पढ़ा हुआ है आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब उसी का मिक्सचर है। ठीक है, तो अब मैं पिक कर रहा हूँ एग्जाम्पल वन का सेकेंड पार्ट, माई बैड। एग्जाम्पल वन का सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। बेटा क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री ये निकालना है। क्या है एक्स वाई, मैंने स्पेस छोड़ा जान पूछ के, इसमें एक नोट लिखवाना है मैंने, माइनस वाई डी, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं इसे, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री, बेटा सबसे पहले बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है, कहाँ है टू, कहाँ दिख रहा है, खड़े होके मेरे को जरा मार्क कर दो। अच्छा सब ठीक है, ये पहचान क्लियर है, तो ये ऑर्डर कितना हो गया मेरे बच्चा टू, राइट। डिग्री, अब डिग्री क्या हुआ, बच्चा बोलेगा बड़ी पावर किसकी, इसी ऑर्डर की, इसी ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर कितनी है वन, तो डिग्री कितनी हो गई, बोलो पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स है ये, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस टू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ऑर्डर और डिग्री बताओ जल्दी से, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना हुआ, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर, आप बताओ, थ्री, बिल्कुल सही कहा, ऑर्डर थ्री, डिग्री कितनी हुई इसकी पावर, डिग्री टू, मुश्किल था नो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, जो मैंने नोट के लिए स्पेस छोड़ा था वो यहाँ लिखवा रहा हूँ, नोट बेटा, मल्टीपल कलर के पेन्स यूज करना अपने पास, और ऑनलाइन क्या आपको ये कलर दिख रहा है पहले तो ये बता दो मेरे को, जो मैंने पिक करा है दिख तो रहा है, चलिए जल्द लिखवाते क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म, इस शब्द का मतलब क्या है, किसी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है? अच्छा पॉलिनोमियल क्या होते थे याद है, जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती थी, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रूट में नहीं होता था, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता था, राइट, या वेरिएबल पावर में नहीं होता था, सेम यहां पर भी है। इसका मतलब है इट मींस डेरिवेटिव शुड बी इन डिपार्टमेंट, बोला मैंने डेरिवेटिव किस में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, और मल्टीप्लाई में हो, या और क्या कि उसकी पावर एक होल नंबर हो, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन जीरो इंटीग्रल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, नॉन जीरो इंटीग्रल, उसकी पावर एक होल नंबर हो, पॉइंट क्लियर, यस और नो। मेरी नोट्स मैं पहले बोलता हूँ उसी से खोले में, अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलू, इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स डेरिवेटिव शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव किस में नहीं होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में, और इन रूट, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए, या इन पावर, पावर समझते हो,
की पता लगे, मैं बोल रहा हूँ y की पावर dy बाई dx, y की पावर dy बाई dx, डेरिवेटिव यहां पे नहीं होना चाहिए, और इन रूट और इन पावर, ठीक है, और हैव नेगेटिव पावर, या उसकी क्या ना हो, नेगेटिव पावर ना हो, बोलो पॉइंट क्लियर। अच्छा, इसके अलावा रूट पावर डिनोमिनेटर हो गया, रूट हो गया, पावर हो गया, इसके अलावा एक चीज और, हाँ, और एज थीटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम, सर क्या लिखवा रहे हो सर, बात नहीं समझ आ रही, समझ आए किसी को, नहीं ना, आओ समझाते हैं, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना बेटा, खेल सिर्फ यहां पर है और कुछ भी नहीं है। एस थीटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आएगा पूरा नाम, और लॉगरिथम। अब मैंने एक साथ सारे लिखवा दिए आपको इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब बेसिक में क्या कह रहा हूं कि डेरिवेटिव जो है ना तो उसकी पावर नेगेटिव हो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, पहला पॉइंट, या वो किसकी पावर में ना हो, जैसे वाई की पावर डी वाई बाई डी एक्स अलाउड नहीं है डिग्री के लिए, ध्यान रखना, या वो साइन का थीटा ना हो, साइन डी वाई बाई डी एक्स, एक एग्जाम्पल पिक करता हूँ उसके थ्रू समझ आएगा। चलिए, इसके लिए मैं पिक कर रहा हूँ एग्जाम्पल वन का थर्ड पार्ट, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल वन का थर्ड पार्ट क्या है मेरा, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर e y डैश इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो गया मेरा थ्री, डिग्री नहीं वन नहीं होगी, डिग्री वन नहीं होगी यहां पर, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होगी, अब पहले मैं नॉट डिफाइंड लिख रहा हूं फिर बताता हूं क्यों। मैंने आपको क्या बोला, यस, डेरिवेटिव किस फॉर्म में होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म, बेटा वन मार्क का क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल फॉर्म में, पॉलिनोमियल मतलब कि वाई डैश डेरिवेटिव ना तो किसी का फंक्शन हो, इस तरह साइन वाई डैश ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही ये क्या हो किसी की पावर में हो, या खुद इसकी पावर क्या हो, नेगेटिव हो, पॉइंट क्लियर, यस और नो, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, बोलो बेटा पॉइंट क्लियर, ये किस फॉर्म में नहीं है मेरे बच्चा, पॉलिनोमियल, यहां तक क्लियर, क्वेश्चन तो करोगे, नोट्स के लिए टोटल चार पेज है हमारे, इसके बाद क्वेश्चन जो आपने करने हैं आप एक करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन क्या है, बेटा चलो इसका आंसर को बताओ, डी फोर वाई डी एक्स की पावर फोर साइन वाई ट्रिपल जीरो, प्राची आपसे पूछते बेटा, बेटा मेरे को बताओ कि यहाँ ऑर्डर क्या हुआ, ऑनलाइन में आंसर अभी आ चुका है, ऑर्डर फोर, डिग्री वाई नॉट डिफाइन, रीजन बताइए, साइन का थीटा है, ठीक है, ऑर्डर हो गया फोर, डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, क्लियर, क्वेश्चन टेन है, जल्दी से y डबल डैश ऑर्डर टू डिग्री, ये सुनना था, डिग्री वन है बेटा, मैंने बोला डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, साइन का क्या है y है, होगी गड़बड़ी, यस और नो, एग्जाम स्पेशल रेडी,
अब ये क्वेश्चन वैसे आपके एमएल अग्रवाल में और आरडी शर्मा में है, छोटा सा देखते ये कर सकते हो। ये है सैम स्पेशल एमएल का पेज 460 के अंदर है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। y is equals to x dy by dx plus 2 root में 1 plus dy by dx का whole square। ये question है मेरा छोटा सा। बच्चा झट से बोलेगा order 1 degree not defined। wait जल्दबाजी मत करना। wait अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो y minus x dy by dx yes or no, 2 root में बोलो हाँ या ना, dy by dx का whole square। अगर स्क्वायरिंग कर दो फिर क्या मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या बनेगा, ये y minus x dy by dx का whole square और ये 4 bracket 1 plus dy by dx का इसके स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर, यस और नो? अब इसे चाहो ओपन कर दो। अच्छा हाँ रूट कट गया ना ये वाला, तो हाँ सही तो है, इसे ओपन कर देते हैं। वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस टू एक्स वाई। वैसे मैं इसका आंसर तो यहीं से बता सकता हूँ कि ऑर्डर डिग्री क्या आएगी, 4 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ सुनो ये सुनो, क्या मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ बेटा, यस और नो? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का। अब मैं उसी पॉइंट पे आने लगा हूँ बच्चे, अरे मेरे बच्चे एक मिनट, ऑनलाइन में को लगातार बोल रहे हैं कि सर इसको पूरा ओपन की जरूरत है। मैं कहा जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर मैंने बोले मैं बता सकता हूँ, ठीक है? अगर मान लो कट जाता इससे तो इन दैट केस, अगर मान लो डी वाई बी डी एक्स कट ही जाता पूरा फिर क्या होता, राइट? तो इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपने सीधा ये लिखना है, पूरा सॉल्विंग से कोई मैटर नहीं करेगा। अब मेरे को खुद बताओ डी वाई डी एक्स ऑर्डर कितना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव, ऑर्डर तो हो गया इसका 1, डिग्री कितनी होगी, बस ये पॉइंट था क्लियर। एक दो छोटा सा क्वेश्चन ऐसा करोगे, चलो एक छोटा सा दे रहा हूँ आपको, ये है आपका 5x स्क्वायर प्लस 5y डी वाई माइनस 5x डी एक्स इज इक्वल टू 0। जल्दी से करके दिखाओ राइट नाउ, आओ इसको देखते बेटा ये कैसे होगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y डी वाई डीएक्स। 5 तो कॉमन कर लो पहले, x स्क्वायर प्लस y डी वाई डीएक्स इज इक्वल टू 5x dx, 5 से 5 कट गया, डी वाई डीएक्स बनाओ x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y। तो ऑर्डर कितना बना बेटा, ऑर्डर जल्दी बताओ क्या हुआ, कंफ्यूज 1 डिग्री, बस ये था, नोट डाउन प्लीज।